तो हमारे पास अभी पढ़नी 1 किलो मछली आया है, पढ़नी मछली आया है और सामने मंडी से एकदम ताज़ी मछली कट के आया है। अब इसको बनाना है, कड़ी बनाना है इसकी। सबसे पहले धोने से स्टार्ट करेंगे इसको, सीधा जाएगा नल से धुलते, एकदम बहुत तसल्ली से धुलना है इसको। ये सामने देख सकते हैं मछली मार्केट है और बिल्कुल यहीं से ये मछली आई हुई है। तो देखिए हमारी मछली जो है यहाँ पे धुली जा रही है। कितने पानी में ये धुलने पूरा साफ हो जाती है? तीन बार पानी में चलाने के बाद साफ होती है। अच्छा, 3-4 बार धुलने के बाद। तो देखिए हमारी मछली फाइनली जो है खूब साफ तरीके से धुली जा चुकी है और अब हम इसको बनाएंगे। बनाने के लिए बहुत जानदार मछली है, मार्केट की सबसे महंगी मछली है। अच्छा, क्या रेट है इसका? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। ये नमक गया, ये हल्दी गया, वाह, और ये मिर्चा गया। दोस्तों एकदम लाजवाब और टेस्ट को मिलाइए अच्छे से। और तेल एकदम गर्म होना चाहिए। चलिए ये मिल चुका है, तेल भी हमारा गर्म है। प्याज टमाटर, तेल हमारा गर्म था उसमें पड़ गया है प्याज और टमाटर। प्याज टमाटर को एकदम ब्राउन करना है, थोड़ा सा नमक छोड़ देंगे कि प्याज से गल जाए। हाँ, ताकि प्याज और टमाटर गल जाए। तो ये देखिए हमारे शंभू भाई जो बहुत ही अनुभवी हैं नॉनवेज के मामले में, चाहे वो चिकन हो चाहे मटन हो, एग के सारे आइटम इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मछली तली जा रही है और यहाँ पे ग्रेवी का हमारा आइटम तैयार हो रहा है। इसको बिल्कुल आराम आराम से पलटना है ताकि टूटे ना। इसकी क्या पहचान होती है कि जब ये हो जाती है? ब्राउन हो जाएगा बस। ब्राउन पता चल जाएगा। देखिए पहले वाला साइड, ये पहले वाला साइड है, ये पलटी की ये साइड पता चल रहा है। आप यही पहचान है कि अब इधर भी अच्छे से हो जाएगा। एक बार उधर फिर करेंगे, फिर एक बार इधर करेंगे, मतलब दोनों तरफ चार। ये हमारा अदरक लहसुन टमाटर और सूखी मिर्ची का पेस्ट और उसमें एक सीक्रेट मसाला भी है। अच्छा, इसके अंदर सीक्रेट मसाला। तो प्याज और टमाटर हमारा अच्छे से देखिए गल गया था, उसमें इन्होंने एक सीक्रेट मसाला डाला है। तो ग्रेवी हमारी देखिए तैयार है ना। और मछली फ्राई भी रेडी है, इसके अंदर ग्रेवी लगाना है। सारा मसाला डालने के बाद लास्ट में देखिए वाह इंडिया, बहुत ज़बरदस्त मसाला। अच्छा, मसाला ये बढ़िया होता है वाह इंडिया। घर में भी यही मसाला पूरा एक पैकेट। हाँ, इसको छोड़ दो। अच्छा, कुछ लोग ये मछली में सरसों वगैरह डालते हैं? हाँ बिल्कुल डालते हैं। आप नहीं डालते? क्यों? तो कोई कोई लोग सरसों का डिमांड करते हैं। अच्छा, तो उनके लिए अलग से घर से पिसवा लाते हैं। अच्छा, मतलब तुरंत उसे बना के रखते हैं। अच्छा, तो लगभग ये आधा केजी होगी मछली, 3 पाव? 400 ग्राम है। 400 ग्राम है ना। तो उसी हिसाब से ये जो है ग्रेवी हम रखेंगे, ज़्यादा ग्रेवी करना भी नहीं है क्योंकि इसके लिए थोड़ा ग्रेवी करना, जब ये पकेगा ना आधा ग्रेवी बचेगा इसमें। हाँ, आधा तो ये खुद जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। हम सब नेचुरल मसाला यूज़ करते हैं, कोई कलर नहीं डालते। देखिए 10 मिनट के लिए हमने इसको पैक कर दिया है और हमने उस मछली में से कुछ का ग्रेवी बनाया और कुछ जो है ऐसे ही ड्राई मसाले के साथ यूज करना है। तो ये देखिए अभी पूरी हमारी मसाले में पक चुकी है ना। बस 5 मिनट और, 5 मिनट में ये निकाली जा सकती है। इसको आप
के गया हुआ इंडिया, और थोड़ा सा पानी दो। थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे इसको, है ये हमारी सूखी मछली, मसालेदार मछली तैयार एकदम चटपटे मसालेदार। देखिए मसाले में एकदम लगराई हुई मछली, क्रंची मसालेदार। एक मिनट रुको, कौन था तैयार। और अब इस पे जाएगा धनिया का पत्ती, पन्नी निकालो। तो ये देखिए लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है और हमने जो है कवर हटा दिया है, बस तैयार है खाने के लिए, एकदम जबरदस्त तैयार हो चुका है। देखिए ग्रेवी कितनी मोटी है, कड़ी की एक ही खासियत थी मछली की, कड़ी हमेशा मोटी बनाओ। बोलो और अब इसमें धनिया की पत्ती, मेन चीज मतलब कंपलसरी होता है मछली में, ये सबसे मेन चीज होता है। जब जितना भी मसाला डाल दो बाद में तो धनिया पड़ना ही पड़ना है। अच्छा तो ये देखिए ये होम डिलीवरी, ये बहुत अच्छी मछली है। इसको सूखा बनाइए या ग्रेवी बनाइए, रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। हमारे कभी भी आइए, ऐसे बनाते रहेंगे, बस आप लोग आते रहिए। सत्संग नगर कॉलोनी काशी जोत केवी इंटर कॉलेज वाली रोड।